नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेरिजन करने जा रहे हैं फेयर राइटोमीटर का, उसके मुकाबले में जो अदर पेन आती है उनसे इनका मुकाबला करेंगे और जानेंगे कौन सी पेन आपके लिए बेहतर है, क्योंकि पेन का आपके राइटिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये पेन दोस्तों 20 रुपये की आती है फेयर की राइटोमीटर, और इसमें जो रिफिल है वो बॉल है, मतलब बॉल इंक है, इसमें जो इंक आती है ना वो बॉल इंक आती है। और इसकी रिफ़िल की बात करें तो ये पेन की रिफ़िल आप एक बार लेंगे तो आपकी एक साल तक रिफ़िल ही ख़त्म नहीं होगी। मैं बहुत ज़्यादा लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, और जैसे 3-3 रुपए वाले डोम्स के पेन आते हैं इनसे तो इनकी तो लाइफ मुश्किल से 1 महीने या 15 दिन की होती है, लेकिन ये जो फेयर की राइटोमीटर है ये लगभग 1 साल या 6 महीने तक आराम से चल जाती है। और उसकी तुलना अगर मैं ये ट्राइमैक्स से करूँ तो ये भी मुझे कोई ख़ास बेहतर नहीं लगी। ऐसे ये जेल पेन है लेकिन ये मुझे खास बेहतर कोई बढ़िया नहीं लगी। एक तो ये महंगी बहुत है, दूसरी बात इनकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन पैसे के हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, हर कोई स्टूडेंट इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसकी जो रिफ़िल है वो 40 रुपये के करीब आती है, 40-30 रुपये की, जो बिल्कुल बेकार है और वैल्यू फॉर मनी नहीं है। या तो इसकी कीमत थोड़ी कम होनी चाहिए। वैसे ये पेन जेल है, बहुत लोग इसे यूज़ भी नहीं करते क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं होती, और जो बॉल पेन्स होती हैं वो वाटरप्रूफ होती हैं, और इनकी इंक पानी की वजह से या पसीने की वजह से ख़राब नहीं होती और बढ़िया चलती है। तो इस टाइम वेस्ट राइटोमीटर इज़ बेस्ट।